कोरोना की चौथी लहर में दिल्ली एनसीआर के सटे हुए जिलों में कोरोना बढ़ रहा है, जिससे शासन ने उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में सभी को सतर्क कर दिया गया है। जितनी भी निगरानी समितियां हैं उनको क्रियाशील रहने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। दस्तक अभियान, घर घर जाकर जो भी खांसी सर्दी जुकाम वाले मरीज हैं उनको चिन्हित करके जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इन सभी जगहों पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अलावा जो 45 कोविड टेस्ट सेंटर हैं उनको भी सुदृढ़ किया जा रहा है। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी कोविड की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी आती है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जनपद में 3000 बेड की व्यवस्था, 400 से ज़्यादा वेंटिलेटर, 17 ऑक्सीजन प्लांट तथा कोविड से रिलेटिव आवश्यक औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि अगर जनपद की जनता मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और टीकाकरण में साथ देगी तो जनपद में कोई लहर नहीं आएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, सर चौथी लहर को देखते हुए कुछ जिलों में अलर्ट कर दिए गए, जिले में क्या है? देखिए, चौथी लहर को जगह की प्रभाव आप लोग डेली देख रहे हैं कि जो दिल्ली से सटे हुए जनपद हैं वहाँ पर जो है कोविड का प्रभाव कुछ बढ़ रहा है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में भी हमने लोगों को सजग सतर्क कर दिया है। हमारी जितनी निगरानी समितियाँ थी उनको क्रियाशील कर दिया गया, उनसे निर्देशित किया गया है। दस्तक अभियान में गांव-गांव घर जा रही हैं, जहां पर भी उनको कोई भी जो है ILI या सारी या जुकाम बुखार के मरीज मिल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनकी जांच करावें तथा उनको जो है कोविड किट का डिस्ट्रीब्यूशन करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो भी हमारे एयरपोर्ट हैं या हमारा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, और जो हमारे अन्य चिकित्सालय हैं या जो हमारे 45 कोविड टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनको भी सुदृढ़ किया जा रहा है। और सबको निर्देशित किया गया है कि जो भी खांसी जुकाम बुखार के मरीज आ रहे हैं उनको कोविड किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उनकी कोविड की जांच कराई जाए और उनके परिजनों की कोविड की जांच कराई जाए। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है और सबको कोविड जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनको कोविड टीकाकरण कराने की सलाह दी जा रही है, उनसे अनुरोध किया जा रहा है। इसके अलावा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमारा है जहाँ पे हम गांव में जो हमारा जैसा कि जानते हैं प्रत्येक रविवार को मेला लग रहा है, आज जो है हमारे समस्त ब्लॉकों पे जैसे जो मेले लग रहे हैं वहाँ पर लोगों को भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइज करें तथा अपने का टीकाकरण कराएं। इसी के साथ साथ नगर निगम से भी अनुरोध किया गया है, जो नगर निगम के प्रचार वाहन होते हैं उनके द्वारा भी जगह जगह कैंप कर करके लोगों को टीकाकरण कोविड प्रोटोकॉल के से प्रेरित किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग निश्चित रूप से इस संभावित चौथी लहर को निष्प्रभावी करने में सफल रहे। सर, कोविड जैसी आपदा आती है तो किस तरह की व्यवस्था की जाएगी कोविड में? देखिए, कोविड के अगर कोई आपदा तो मैं कहूँगा निश्चित रूप से अपनी तैयारियों पर मुझे पूरा यकीन है। कोविड के लिए मैं एक परीक्षार्थी हूँ और परीक्षार्थी की हैसियत से मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस पाठ्यक्रम को पूरी तरह से पढ़ा है और जनपद में मैंने लगभग 3000 बेड्स की व्यवस्था है हमारे पास और हमारे पास लगभग 400 से ज़्यादा वेंटिलेटर हैं, बाईपैप हैं और HFNCs हैं, 17 ऑक्सीजन प्लांट हैं। कोविड से रिलेटेड जितनी भी आवश्यक औषधियां हैं सबका मेरे पास प्रचुर मात्रा में भंडारण है। इनके अलावा जितने भी लॉजिस्टिक्स होते हैं उनका हमारे पास भंडारण है। हम अपने चिकित्सकों का और पैरामेडिकल का प्रत्येक माह उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनकी मॉक ड्रिल करा रहे हैं और इसी के साथ साथ अपने उपकरणों की क्रियाशीलता को हम निरंतर चेक करते रहते हैं। तो मैं अपनी तैयारी पर पूरा यकीन है, मुझे दावे के साथ कह सकता हूँ गोरखपुर की जनता अगर चार चीज़ों पर अडिग रहते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और टीकाकरण पर अडिग रह करके हमारा साथ देगी तो निश्चित रूप से गोरखपुर में कोई लहर अब नहीं आएगी।